अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं जुनैद बर्ड सेवरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अजवाइन के बारे में बता रहा हूं कि मुर्गियों के लिए ये कितनी ज़रूरी है। तो ये देखें, कटोरी में मैं अजवाइन ले आया हूं। ये देखें दोस्तों, अच्छा इसको मैं ज़मीन पे वैसे ही डाल देता हूँ तो ये मुर्गियाँ आराम से खाती हैं। ये देखें, ये अभी मैंने इनके आगे रखी है, तो ये देखें ये असील मुर्गा भी आगे खा रहा है। अच्छा, इसके ये फ़ायदे हैं कि अजवाइन से एक तो आपकी मुर्गियां अगर अंडों की पैदावार में उनकी कमी वगैरह है तो इंशाल्लाह अजवाइन से उनकी अंडों की पैदावार अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अगर वो मुर्गियां वज़न कम कर रही हैं, वज़न नहीं बढ़ा रही, तो अजवाइन दें, इससे ये कि आपकी मुर्गियों के वज़न भी बढ़ जाएंगे। तीसरा ये कि मुर्गियों का खाना में या फीड को कम खा रही हैं और डाइजेस्ट नहीं कर रही, पोटे उनके हर वक्त फूले रहते हैं, थोड़ा सा गाना खाती हैं, तो कोई भी परिंदा है उनको भी, दूसरों को भी आप अजवाइन दे सकते हैं। लेकिन ख़ासकर आज की वीडियो पोल्ट्री के लिए, तो मैं मुर्गियों के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपके ओवरऑल अपने अखराजात में 25 से 30% कमी ला सकते हैं अजवाइन देने से। अच्छा, इस्तेमाल इसका ये है कि 3 से 4 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो आपको इनको पाउडर की फार्म में दे सकते हैं, और दूसरा ये कि आप इनको वैसे ही पाउडर की फार्म के अलावा आप इसकी गोलियां बना के दे सकते हैं। तीसरा, इसका आप कावा बना के दे सकते हैं। और चौथा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं पानी में भी देता हूं और इस तरह भी देता हूं। मेन मुद्दा हमारा यही होता है कि मुर्गियों को किसी तरीके से उनको अजवाइन दी जाए, और किसी भी तरीके से उनको दी जाए। फीड में आप आधा चम्मच अजवाइन 1 किलो फीड में 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करें, उसके बाद 1 हफ्ते तक वक्फा दें, उसके बाद फिर दोबारा यूज़ करवाएं, तो इंशाल्लाह इसका फ़र्क आप अपनी पोल्ट्री में ख़ुद देखेंगे। तो दोस्तों, अजवाइन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरा ये कि आपकी मुर्गियों पर कोई डिज़ीज़ वगैरह भी अटैक नहीं करती। अच्छा दोस्तों, इसको मैं पानी में दे के फिर आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास पानी का फीडर वहाँ पड़ा हुआ है, तो अभी मैं इस कटोरी को लेके जाता हूँ, तो थोड़ा मुर्गी खा ले, ये अभी बस ही नहीं कर रही, लगी हुई है दड़ा दड़ खाने में लगी हुई है। अच्छा, दूसरी कम खा रही है, ये ज़्यादा खा रही है, पता नहीं इसको। ये पुदीना भी है दोस्तों, अभी थोड़ा सा पुदीना, ये बोतल खोल के मैं अजवाइन वाली कटोरी में डालता हूँ, तो इसका ढक्कन मैंने खोल लिया है। खुश्क पुदीना खुश्क किया हुआ है, पाउडर किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा होता है इनके लिए। और इसमें ये बस थोड़ा सा मिक्स करता हूँ, आपके सामने ही है, इसको मिक्स करके ज़मीन पे भी मैंने डाला हुआ है। ये देखें, मैं आपको हाथ से ज़मीन पे दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा इससे आगे डाला हुआ है, ये वाला, ये देखें पुदीना और अजवाइन ज़मीन पर डाली हुई, यहाँ से ये सारा खा जाएंगी। अभी इसको ले कर जाते हैं, ओए गिर गया मुझसे, इसको लेके जाते हैं पानी के फीडर के पास और उसमें मिक्स करते हैं। सही तरीका तो ये है कि पानी के फीडर में डाल के थोड़ी देर रखें, वो अपना आर्ग निकाले, लेकिन मैं अभी साइड से ही डाल देता हूँ। तो अभी ये साइड से डाल के फिर दिखाता हूँ आपको, ये मैंने डाल दिया, और ये इसको उंगली की मदद से बिल्कुल सारे को मिक्स करता हूँ। मिक्स करने से ये है कि जितना भी पानी है इसका कलर चेंज हो जाएगा, और अजवाइन और पुदीना अपना अर्घ छोड़ेंगी और ये मुर्गियाँ पीते रहेंगी। इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दिन मुसलसल यूज़ करवाता हूँ, फिर 4 दिन गैप देता हूँ, फिर अपनी मुर्गियों की कंडीशन देखता हूँ, कोई उनमें कोई इस तरह का नज़ला ज़काम। अभी एक मेरी 2 मुर्गियों को ज़काम हो गया था, हालांकि मौसम गर्मी का है, लेकिन वैसे ही उन्हें ज़काम हो गया था। तो इनसे ये मेरी मुर्गी है जिसकी टांग टूटी थी, आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, माले के बच्चे ने तोड़ी थी, तो माशाल्लाह इसकी टांग मैंने प्लास्टर की, अभी 5-6 दिन हुए, 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह इसका प्लास्टर खोलेंगे, इसकी हड्डी जुड़ जाएगी। अब फुल एक्टिव मुर्गी है, 2-3 दिन ही इसकी ट्रीटमेंट की है, तो अभी ये ठीक होगी, अभी ये पानी वगैरह पिएगी, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी असल में इन्होंने पानी उधर वीडियो बनाने से पहले पी लिया था ना, अभी ये आई है, अभी ये भी पहले चेक कर रही है खाने की चीज़ है ये क्या है। तो दोस्तों, ये तरीका होता है अपनी मुर्गियों को पुदीना और अजवाइन वाला पानी देने का। तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, आप इसको पानी में भी दे सकते हैं, पानी के अलावा आपको गोलियां बना के भी दे सकते हैं आटे में छोटी छोटी, और उसके अलावा आप पाउडर की फॉर्म में भी दे सकते हैं। बस किसी भी तरीके से अजवाइन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और अजवाइन का ये है कि आप नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है और डाइजेस्ट चीज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसके अलावा आप अपनी फिंचेस को, जावा को, लव बर्ड्स को और गोल्डियन हर परिंदे को दे सकते हैं, उसके नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, इस तरफ आते हैं, ये देखें मैंने यहाँ ज़मीन पर डाला था, तो ज़मीन पर बीजें खा रही हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जुनैद बर्ड्स एवरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।